बोलिए लाडली लाल की। अपने ऊपर टेम्परेचर लगा तो मक्खन पिघला, लेकिन संत तो दूसरे के दुख से पिघल करके उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, इतना कोमल हो जाता है। हमारे संसार में लोग बोला करते हैं, अरे भाई वो दाल सिद्ध कर लो, चावल सिद्ध कर लो, तरकारी सिद्ध कर लो, पकाने को बोलते हैं लोग, महात्माओं के यहाँ की भाषा है। उनके यहाँ के शब्द अलग अलग है। प्रसाद पालो, अगर खाना खा लो कह दिया तो बिगड़ जाएंगे बाबा लोग। क्या गंदा शब्द बोलते हो, खाना खाना, प्रसाद पाओ ऐसा बोलो। है सब एक्टिंग वो, लेकिन वो परंपरा से चला आया है सिद्ध महापुरुषों के जमाने से, तो अब उसको पाखंडी लोग भी बोलते हैं। वैसे ही संसार लेके मारेंगे एक दूसरे को, बोलेंगे सीताराम सीताराम बोलेंगे जरूर, और संसार से उसके सिर में कपाल क्रिया कर रहे हैं। जो अभ्यास पड़ जाता है मनुष्य को, वो अभ्यास है, अंतर से नहीं है। तो सिद्ध माने मुलायम कोमल, अभी आप नहीं समझ। अच्छा देखिए, ये जो चावल पकाती हैं स्त्रियां, दाल पकाती हैं, तरकारी पकाती हैं, तो चावल पहले तो कड़ा होता है, हाँ, फिर पकाने पर मुलायम होता है, हाँ, लेकिन इतना मुलायम ना हो कि भोरता हो जाए उसका। ऐसा चावल खाते हैं आप लोग ना, खिला हुआ खुला हुआ ऐसे कुछ बोलते हैं आप लोग, तो वो चावल मुलायम हो जाता है, लेकिन ना तो कच्चा रहता है, कणिका उसमें नहीं रहती, और ना तो वो हलवा बन जाता है, ऐसा भी नहीं होता। तो उसी प्रकार भक्त का हृदय है, उसमें कणिका भी नहीं रहती माया के विकार, और वो हलवा बनकर मोक्ष भी नहीं प्राप्त करता अद्वैत वाली, इसलिए वो मुलायम चावल की तरह रहता है। अब समझ गए होंगे आप लोग। तो सिद्धो भवती, भक्ति प्राप्त करके वो सिद्ध हो जाता है। और अमृतो भवती, अमृत तो मैंने आपको बता ही दिया, उसका जो अमरत्व है यही है कि वो भक्ति नित्य रहती है। सदा पश्यन्तु सूरयः पश्यन्ति, उस भक्ति में एक कमाल है कि वो भगवान को दिखाती रहती है, उनके शब्द सुनाती रहती है, उनकी सुगंधी देती रहती है, उनका स्पर्श देती रहती है, यानी इंद्रियों से भी वो ब्राह्म लाभ मिलता है जो ज्ञानियों को बिना इंद्रिय मन बुद्धि के केवल स्वरूपानंद रूप मिलता है। तो अनंत काल के लिए भगवान का लाभ इंद्रियों से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, आत्मा से तो है ही है। रोम रोम से उनका रस देती है ये भक्ति, इसलिए इसको प्राप्त करने लेने वाला अमृतो भवती। अथवा दूसरा अर्थ, अमृत का अर्थ मोक्ष, मुक्त हो जाता है, यानी वो मांगता नहीं मुक्ति, लेकिन अपने आप मुक्ति हो जाती है बिना मांगे। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधा प्रतिमियं दास्याय लोलायते। सब मुक्तियां आकर खड़ी होती है भक्त के सामने हाथ जोड़कर, हमको स्वीकार कर लो हमको। तो सबसे पीछे खड़ी होती है सायुज मुक्ति, वो कैवल्य, वो जानती है कि अभी डांट पड़ेगी,
दूरे कृष्ण मना घना गस कथम कुलजा धनार्जम मई त्वद्गंधान्निज नाम चंदन रसाले पश्च लोपो भवेत। आय मुक्ति दूर दूर दूर। जैसे पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग किसी अछूत को अगर वो अपने घर के अंदर घुसने लगे, ऐ दूर 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 आंख जा रहा, ऐसे अपमानित करके मुक्ति को वो भक्त कह रहा है, दूरे रहो दूरे रहो।